मैं डिगपो की तरफ निकल रहा हूँ, किस लिए निकल रहा हूँ नहीं, सब रास्ते में बताऊँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सुन मैं यानी आपका दोस्त हूँ तेजिमो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है बोर्डिमसा की रिजर्व, और दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में खतरनाक, यहाँ से ही जंगल तो स्टार्ट होता ही है, लेकिन छोटा मोटा रिजर्व है दोस्तों, लेकिन छोटा मोटा बोल के भी नहीं, यहाँ में लोग का घर आसपास भी नहीं है, तो डरने का थोड़ा है। शेर वेर रोड पे निकल जाए तो भागे किस तरफ, और जैसे डायरेक्ट मोड़ के सवाल है, और हाथी वाथी निकल जाए भी भागने का कोई रास्ता नहीं है, और जैसे यहाँ में आसपास में किसी को नज़र भी नहीं आओगे, तो बाइसनासली एक दो या इसी रोड से गुजरने वालों को मिलेगा, और दोस्तों वो भी लेता है। और दोस्तों यहाँ में देख सकते हैं हम लोग, ये सीधा रोड से जाने वाला नहीं है, इस शॉर्टकट रोड से जाने वाला है, जल्दी पहुँचेगा। हम लोग पिंगरी रिजर्व को मिस्टेक करके, दोस्तों हम लोग इतना जल्दी पिंगरी पहुंच गया, शॉर्टकट रोड से आया ना दोस्तों, ये इस तरफ द्वार मोरा चला जाता है, ये इस तरफ पिंगरी, अभी हम लोग पिंगरी निकलेगा, और दोस्तों आप लोगों को पिंगरी टाउन भी देखने को मिलेगा, ये आर्मी कैंप है दोस्तों, और दोस्तों आगे में आप लोग को पिंगरी टाउन जो दिखाई देगा दोस्तों, ये है पिंगरी टाउन। तो हम लोग को राइट साइड में जाना है डिगपोई, और आप लोगों को मैं डिगपोई रिजर्व अभी दिखाने वाला है। ये दोस्तों ये डिगपोई रिजर्व बहुत ही लंबा है दोस्तों, ये हमें फॉरेस्ट वॉरेस्ट का भी कैंप बीच बीच में रोड का किनार किनार में मिल जाएगा दोस्तों। ये यहाँ से स्टार्ट होता है डिगपोई रिजर्व, ये तो बहुत ही लंबा है, कितना समय लग जाता है दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा जो फॉरेस्ट लोग का क्वार्टर है। दोस्तों बाइक का गियर ख़त्म करके इसको लेकर पूरा चापने से मैंने इस रोड को एक ही झटके में ख़त्म करने नहीं सकता, इतना ही लंबा है दोस्तों, क्या ही बताऊँ। दोस्तों आमाइनोंग भाई को बाइक चलाते चलाते थक गया, अभी ये जंगल तो दोस्तों बहुत ही लंबा है ना, अभी फिर भी बहुत ही जाना है दोस्तों। ओ माय गॉड, ये रिजर्व जो खत्म करने के लिए नाम ही नहीं ले रहा है, जितना भी बाइक को स्पीड से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। पाइजरस यहाँ में शेर में निकल जाए तो हम लोगों को क्या होगा। इस रिजर्व को क्रॉस करने के लिए समय तो थोड़ा लगा, लेकिन फाइनली हम लोग निकल गया, अभी अच्छा महसूस लग रहा है। पापा अभी हम लोग डिगपोई टाउन फाइनली पहुंच गया, अभी डिगपोई टाउन देखने के लिए बाकी यहाँ में घूमने के लिए, और डिगपोई टाउन का बारी बारी आप लोग को मैं जितना सकूँगा दिखाऊँगा, आप लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहे, और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर देना। पहुँचने वाला हो गया, दोस्तों आप लोगों को ये एक बिल्ली को दिखाई दे रहा है, ये बिल्ली जो साला रास्ता ही काट दिया। दोस्तों सच बात तो ये है कि अमाइनो और हम यहाँ में बाइक का नंबर प्लेट लगाने के लिए आया था, और बजाज शोरूम तो कहाँ में पता नहीं है दोनों को, और हमें दोनों ढूंढना है, हमें लोगों को पूछ के ढूंढना पड़ेगा बजाज का शोरूम, वहाँ में नंबर प्लेट जो लगाएगा। अभी तो मेन टाउन उस तरफ जाना पड़ेगा, ये तो छोटा टाउन है। ठीक है, वाला आगत वाला है,
এনে ঘুরিব যা নাই নেকি। दोस्तों डिगबोई को मेन टाउन पहुंचने के लिए रोड जो हम लोग को मिल गया, इसी रोड से हम लोग आराम से जा रहे हैं मैनों और हम, और आप लोग को मैं दिखाऊंगा डिगबोई का मेन टाउन। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए बनते रहना दोस्तों। तो इस तीनारी से हम लोग को राइट साइड में मोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जागुन तरफ निकल जाते हैं, और जागुन तरफ तो हम लोग को जाना नहीं, हम लोग को डिगबोई टाउन जो जाना है दोस्तों। राइट साइड तरफ मुड़ के सीधा जाने पड़ेगा। और उससे और एक तीन नाली मिल गया, तो अभी लेफ्ट तरफ मोड़ना पड़ेगा, और उससे लेफ्ट तरफ मोड़ के हम लोग को सीधे जाना पड़ेगा आगे में, और जाना है तो दोस्तों ये है मेन टाउन दोस्तों। यहाँ में डिगबोई में आने से आप लोग जो मन चाहे मार्केट वार्केट भी कर सकता है दोस्तों। बैंक दोस्तों यही था डिगबोई टाउन असम का। और दोस्तों हम लोग अरुणाचल से आया था यहाँ में कुछ काम के लिए,